दोस्तों, अपने मोबाइल से घर बैठे अपनी गैस सब्सिडी स्टेटस कैसे चेक करें, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। चाहे आपके पास एचपी गैस सिलेंडर हो, चाहे इंडियन गैस सिलेंडर हो, चाहे आपके पास भारत गैस सिलेंडर हो, तीनों गैस सिलेंडर का आप सब्सिडी स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपने गैस कब लिया और कितने में लिया और आपके खाते में सब्सिडी कितनी आई। क्योंकि जिस प्रकार से गैस सिलेंडर का दाम घटता बढ़ता है, वैसे भी सब्सिडी का दाम भी घटता बढ़ता है। तो आप अपने बैंक में जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक को आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ से जो कि इस तरीके से आप डायरेक्ट जो कि ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा आपके खाते में आई है सब्सिडी और किस तारीख को आई है। सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड या फिर उसके पिछले रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले मैं बता दूं, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा, लाइक वाले बटन पर क्लिक करके, और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा के यहाँ पे ऑल प्रेस कराना ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। और यहाँ से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना व्हाट्सअप पर, और यहाँ पर आप कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा गैस सिलेंडर है, HP है, इंडियन है या फिर भारत है। ठीक है, इतना सारा काम करने के बाद आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना MyLPG, यहाँ पर लिखना MyLPG, उस पर यहाँ पे LPG गैस सब्सिडी आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस होम पेज पे 3 सिलेंडर देखने को मिलेगा, इंडियन, HP और भारत। आपका जो भी सिलेंडर उस पर आप क्लिक करें, जैसे मैं भारत का देखता हूँ तो भारत पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे और भी कंपनी का मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको चेक करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे जाना होगा, यहाँ पर देखिए गिव योर फीडबैक ऑनलाइन, सेम प्रोसेस है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, गिव इस पर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आर यू भारत कंज्यूमर, यस यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो रजिस्टर्ड होगा, तो यहाँ पर मैंने पहले से कॉपी कर रखा है, डायरेक्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पर फीडबैक टाइप, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंप्लेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख दूँ, यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध नगर 201-308 आशीष नाम है। ठीक है, और यहाँ पे हाउस नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गैस सब्सिडी पिछले 6 महीने की रिकॉर्ड यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं लास्ट जो गैस लिया गया है वो अप्रैल में लिया गया, 23 तारीख को। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते 739 रुपये का लिया गया है और गैस सब्सिडी जो कि 162 रुपये ट्रांसफ़र हुआ है और बैंक ऑफ इंडिया का एक खाता नंबर है। ठीक है, और डिलीवर स्टेटस हो गया है। तो इस तरीके से आप ये भारत का देख सकते हैं। अगर आप इंडियन का देखना चाहते हैं तो इंडियन के लिए भी सेम आपको MyLPG पे क्लिक कर देना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे इंडियन है तो इंडियन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इंडियन वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा फीडबैक योर ऑनलाइन करके, गिव योर फीडबैक ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, इस पर LPG पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है गैस सब्सिडी, कुछ यहाँ पर गैस सब्सिडी करके इस तरीके से लिख देना है। मैं यहाँ पर ऐसे ही रैंडम कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको स्टेटस गैस सब्सिडी लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, उसके बाद गैस सब्सिडी रिलेटेड पहल आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर सब्सिडी नॉट रिसीव आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर या फिर LPG ID डालकर IM NOT REWARDED पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सेम इसी तरीके से आप जो है कि HP गैस सिलेंडर का भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।